आयुष्मान स्ट्रेट सेंटर में भूमि आग लगा दे आयुष्मान Good evening, everyone. Thank you so much for joining us. Good afternoon, today. Everyone. Oh, good afternoon. I'm so overwhelmed. हर सांस की मेरा पेट दुख चुका है, मेरी आवाज जा चुकी है. नहीं, आप चाहती हैं बहुत जल्दी शाम हो जाए. देख लिया हमने. नहीं, नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम 10 बार और हिट. Yeah, okay. वहाँ शाम हो जाए. Okay, you know what? I want to ask you सबसे पहले तो कि ये करते क्या है आप स्क्रीन पर? विकी डोनर में कुछ ज्यादा ही कर रहे थे, दम लगा के हईशा में करना नहीं चाहते थे, यहाँ पर कर पा नहीं रहे. यार देखो, विकी डोनर में इतना इतना डोनेट कर दिया, इतना डोनेट कर दिया कि बचा ही नहीं कुछ यार. Okay, you tell me, how was it different? Yeah, first time dam laga ke haisha mein, you looked like a different person altogether, and this is like a new Bhoomi. यार मुझे समझ नहीं आ रहा, दम लगा के हईशा में ना हमारा तब भी सीन सून हो गए थे, यहाँ पे मैं ऐसी हो गई हूँ तब भी कुछ हो नहीं रहा, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई. इससे पता लगता है आप मोटापे वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. गलती लड़कों में ही होती है. Yes. But how are you guys feeling? Yeah, हमने यहीं पर already response देख लिया. Very overwhelmed. Yeah, I think I'm really proud of this film. Very yeah. proud of the trailer and the response that we've gotten right now. Because we've only seen this trailer. हमने सिर्फ अपने mobile पर देखा है, अपने edit rooms में देखा है, आनंद सर ने दिखाया था जब पहली बार. But with so many people around and the kind of response we got, it's very overwhelming. Absolutely. I think it's going to rock. इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूँगी the director of the film on set, Alex This is wonderful. Thank you so much for joining me on stage. मैं आपसे जानना चाहूंगी, usually directors कुछ तो inspiration भी लेकर आते हैं ना, तो आप जरूर inspired थे ना इस फिल्म के लिए, क्या personal inspiration है? हाँ जी, you told her to ask this question, right? Oh, somebody else also knows about it. No, this is not inspired from real life. No, not no. that. I have to, I have a 4-year-old and another coming out right now. Coming out right now. In August. Achha, but the movie is called Shubh Mangal Savdhan, and trust me, you know, when I was coming here for this trailer launch, मैं in the wildest of my dreams imagine नहीं कर सकती थी कि ये movie actually कैसी होने वाली है. What a surprise! What have you got to say about this? जो छुपा के रखा था आपने. Anand ji told us. No, it doesn't sound right. जो छुपा के रखा है. Anand ji. Doesn't sound right. छुपा के रखने वाली बात है वैसे, है ना? No. cinema is all about surprise, so sure. yeah. So अच्छा, that was well said. और हमारे किरदार भी आपस में बहुत सरप्राइज हो जाते हैं फिल्म में, तो प्रसन्ना ने सोचा कि हम सबके लिए सरप्राइज रखेंगे, है ना? We wanted the trailer to do the talking, so. I think How did you like the trailer? I loved it. मेरी आवाज खराब हो रही है, हंस-हंस करके, चिल्ला-चिल्ला करके वहाँ पर बैठ करके, I was really like screaming my heart out. With this, मैं इस movie के जो lucky charm, lucky duo हैं, आनंद एल राय जी एंड कृषिका लूला जी को भी बुलाना चाहूंगी ऑन स्टेज. द वेरी गॉर्जियस कृषिका लूला, हु इज ऑलवेज बैग्ड अनकन्वेंशनल टॉपिक्स इन मूवीज लाइक तनु वेड्स मनु, हैप्पी भाग जाएगी, एंड ऑल्सो आनंद एल राय द हेड होंचो बिहाइंड मूवीज लाइक रंजना, तनु वेड्स मनु एंड हैप्पी भाग जाएगी, जस्ट टू नेम अ फ्यू. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन स्टेज. सबसे पहले तो प्रसन्ना ने झूठ बोला, ही सोल्ड इट टू मी एज अ ट्रू स्टोरी. Inspired by himself. So मैंने कहा then presented, इसके आँखों में आंसू थे तब, but I said not presented to people with laughters. So anyways, yeah, on a serious note, हाँ, मेरे लिए जरूरी इसलिए हो गया था इस तरह इस
तरफ जाने के लिए इज बिकॉज आई हैव वांटेड. नाउ दिस इज वेरी मिडिल क्लास वर्ल्ड इफ यू सी वेरी क्लोजली. सो और हमारे साथ व्हेन आई से हमारे साथ हम सब बहुत सारे लोग मिडिल क्लास को ही बिलोंग करते हैं. तो वो जो कंजर्वेटिव वर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा जुड़ गया था. बहुत सारी चीज़ें हम लोग छुपाते हैं एक दूसरे से और मिडिल क्लास कंजर्वेटिव है ये बहुत टाइम से चल रहा था. एंड आई वॉन्टेड टू डील इन टू समथिंग जो थोड़ा इस चीज़ को ओपन अप करे. जो हम नहीं रहे हैं अब वैसे वी कैन टॉक. हम आपस में हम थोड़े गहरे दोस्त हो गए हैं. हमारे रिश्ते थोड़े और गहरे हो गए. सो दिस फिल्म विल एक 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 ऐसा वाला टॉपिक जहाँ आई कैन सी द एंटायर फैमिली कमिंग आउट एंड एंजॉइंग द फिल्म. एंड इस टॉपिक को लेके भी हम लोग आपस में बात कर सकते हैं. इट्स जस्ट अ रेफरेंस. क्या बात है. आई होप ये एक बिगिनिंग मार्क करे जो आप कह रहे हैं कि हम लोग को खुल करके बात करनी चाहिए. वैसे करते तो सब है बताता कोई नहीं है. कृषिका जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगी. शुभ मंगल सावधान इस फिल्म का नाम है. जब ये मूवी बन रही थी तब शुभ क्या हुआ मंगल क्या हुआ किस चीज से सावधान हमें रहना चाहिए या आप रहे थे. गुड आफ्टरनून एवरीवन. इंटरेस्टिंग. शुभ मंगल सावधान. आई थिंक एवरीथिंग अबाउट दिस फिल्म इज शुभ एंड मंगल. एंड सावधान उन्हें रहना चाहिए जो 1 सितंबर ये पिक्चर नहीं देखेंगे. कमिंग टू द फिल्म आई फील शादी इज ऑलवेज शुभ एंड मंगल जी. एंड इट्स मैरिज इज आई थिंक द बिगेस्ट इवेंट फॉर एवरीवन. सो आई थिंक सावधान भी रहना जरूरी है. इस मूवी में तो वैसे शादी के पहले ही मंगल इन द जंगल हो रहा है. आई एम वेरी एक्साइटेड लाइक ऑलवेज टू वर्क विद दिस फैंटास्टिक टैलेंट. एंड द अर्लियर फिल्म्स एंड द अपकमिंग फिल्म्स वी डू बिलीव इन फैंटास्टिक कंटेंट एंड गुड मार्केटिंग. So that's what we are doing, and as you see, so working with Prasanna coming on board was amazing, because I watched his earlier film Kalyana, Kalyan, yeah, KSS, yeah, KSS. I think really found it very interesting and how he the storytelling, the way he said, not knowing the language, but I was enjoying the film. So it was a pleasure working with Prasad. Prasanna. Sorry. यहाँ कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा. पूछो पूछो मैं जवाब दूँ. So I think you'll have to watch the film to know it. It's but I promise you it's not a love triangle. If that's what you guys are thinking, it's definitely. There's no Christianity involved also. Okay. I think I'll be skeptical if I choose any. Conventional subject. I think I'm meant for unconventional films, and you have to carve your own niche out in the cinema industry. And I think these kind of films work for me in a way. Be it Vicky Donor, Dam Laga Ke, Shor Shubh Mangal Saavdhan. I think this is a very quirky subject. It's like antithesis of Vicky Donor, and this is the second time working with Eros after Vicky Donor. Yeah. Not the best thing about cinema is that it mirrors the society. जो society में हो रहा होता है वो आपको आईना दिखाती है, और यही आईना आपको नजर आएगा फिल्म के अंदर. अगर किसी का प्रॉब्लम होती है हम छुप छुप के बात करते हैं, बाद में सबके सामने आ जाती है. पर इसमें किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया गया. ये फिल्म में एक मैसेज है कि मर्दानगी सिर्फ वो नहीं है और बाकी सारी चीज़ें. मैनलीनेस इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग इट अप, यू नो, इट्स अबाउट बीइंग चिवलरस, बीइंग अ नाइस पर्सन एंड अ नाइस कैरेक्टर. मतलब उसके बावजूद भी अगर लड़की आपसे प्यार करती है, दैट्स ट्रू लव. भूमि को कुछ और उठाने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के अंदर. आयुष्मान अच्छा यू सेड कि जो मतलब और चीज़ें भी होती है जरूरी नहीं डेट करना और वो, बट वो भी एक बायोलॉजिकल नीड है ना. Of course it's a biological need, but so of course sometimes how is this film trying to clarify that? Sometimes the bond between two people is beyond that. It's just purely platonic. Really? If this girl is really आप पता नहीं मुझे, लेकिन होता है कई बार दो इंसानों के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन जब जो बियॉन्ड सेक्स होता है. वी शुड नॉट या बट आई थिंक इन सिचुएशन सुगंधा एंड बुद्धित दे आर मैडली इन लव विद ईच अदर. लाइक प्रॉब्ली दे आर बियॉन्ड द रिलेशनशिप इज बियॉन्ड दैट. व्हाट अबाउट यू भूमि, यू सीम टू बी नॉट एग्रीइंग टू हिम ऑन स्क्रीन.
I'm sorry, with what he said just now. No. I actually completely agree with him. See, on screen. Yeah. There's a lot that she does for him on screen as well. But you know, I'll tell you what. Our film is about. It celebrates the imperfections of a relationship. You know, no relationship is perfect. No romance is perfect. Usually on screen, we see happy images, everything is great. But you know, there's small things that matter, even though this is not a small thing. But our film speaks about a lot of those aspects, and it just speaks about true love and how you can win over the toughest battle if you're together. Lamba process raha thoda. Prasanna Chennai se hain aur jab ye kahani wo mere paas leke aaye, so the only thing I felt ki aur ye bhi inme bhi bahut patience hai, bahut patience hai. तो मैंने इनको बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज तुम चेन्नई से हो, थोड़ा वक्त यहाँ बिताना पड़ेगा, स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा, आपको दिल्ली देखनी पड़ेगी, आपको ऋषिकेश हरिद्वार जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड जहाँ पे आप ये कहानी लेके जाना चाह रहे हैं. सो अ लॉन्ग प्रोसेस, कहानी पे काफ़ी टाइम तक काम चलता रहा, बट हाँ इट्स अ वेरी हैप्पी टीम, हम लोग बहुत इन्जॉय करके काम करते हैं. एंड बस उसके बाद इस फिल्म को पूरे 2 साल लग गए बाहर आने में. नहीं वो तो देखो, हम दोनों का बदलाव फिजिकल है. इनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है और सम अदर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट टू दिस फिल्म. बट आई थिंक ये बदलाव एज एन एक्टर, आई थिंक बोथ ऑफ अस डिड गेट इवॉल्वड एज एन एक्टर, एज एक्टर्स. सो आई थिंक या दैट्स द चेंज दैट वी हैव सीन इन हर. वी हैव आल्सो बिकम ग्रेट फ्रेंड्स on this film specially. We were friends while we were shooting for Dam Lagake as well, but on this film, like, we really helped each other professionally. Like, you know, we are just there for each other to ek dusre ko bolne ke liye, nahi yaar bahut hi kharab kar rahe ho, please bro take it easy, na karo. Ye hum sab ka idea tha, kyunki ye unique aur film hai. It's quirky, it's fun, so I think stand up act was appropriate for this film. And rather than getting it regular, and we wanted to make all of you laugh and have a great time and enjoy the trailer with lot of laughter. ऐसे कैसे कह सकते हो आप? हम ही हैं वैसे. आप दोनों को छोड़ के और मुझे. हम आप दोनों को छोड़ के कोई ऐसा नहीं होता. आई थिंक ये नॉट सो हॉट नॉट सो कूल एक तरह का, हमने ये कुछ किसी को टैगलाइन या किसी को स्टीरियोटाइप नहीं किया है. इज इट दैट दिस स्टोरी इज अबाउट नॉर्मल पीपल, रेगुलर पीपल, not the MTV generation or the cool generation of urban cities. It's a normal issue also in our country. If you talk to people, it is an issue. Erectile dysfunction is an issue, and they deal with it. Every couple probably they don't deal with it at all. कुछ couples होते हैं इसको ignore कर देते हैं. हमारे editor ने हमें बताया कि यार इनको problem थी किसी उनके friend को, तो उनके माँ बाप ने बोला चलो यार आप ना Canada घूमने चले जाओ, New Zealand चले जाओ, उससे problem solve नहीं होगी. You have to see to it. आपको problem को देखना है, doctor के पास जाना है, कहाँ जाना है, उसको सॉल्व करना है, there's a process to it. तो हमने उसके बारे में इस फिल्म में बात की है. What about you? Are you consciously going for? I think so. I think I've been very lucky after my first film that I've been getting films that are very high on content, that are different, and that break some sort of a boundary and ideology. And I really hope that I keep getting scripts like that. And I think I naturally have an affinity towards films that are different. You know, as an audience, I enjoy watching those films. So I think I have a natural tendency to choose those films to be a part of as well. Actually, मैंने KSS एक बार भी नहीं देखी. मैंने भी नहीं देखी. और इनफैक्ट मैं प्रसन्ना नहीं चाहती थी कि हम फिल्म देखें, because you know we had to approach it in a completely new way. We didn't want any sort of reference, and we have a great director, we have a great writer, we have Anand, so we have a beautiful team. So we were very well guided already into the movie. तो हमें वो फिल्म देखने की तो जरूरत नहीं पड़ी. पर मैंने सुना बहुत अच्छी फिल्म है KSS. पर हाँ, प्रसन्न ऑलवेज सेज दैट यू नो दिस इज नॉट अ रीमेक ऑफ KSS, इट्स अ रीबर्थ, बिकॉज़ द स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट. द इशू ऑफ द क्रक्स, द जर्म ऑफ द फिल्म इज द सेम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट द वर्ल्ड इज डिफरेंट. KSS इज मोर अर्बन, दिस इज मोर मिडिल क्लास. आनंद जी का नाम KSS था तो ये फिल्म का नाम SMS हो सकता था. है SMS ही तो है, शुभ मंगल साधन. आनंद जी, आपकी फिल्मों के जो संवाद होते हैं वो काफी अलग होते हैं और याद भी रह जाते हैं. जैसे अभी इसमें बाल तोड़ एंड अली बाबा 40 चोर एंड ऑल, जरा उसका जिक्र करें किस तरीके से उस पर काम किया गया और किसने किया इस बार. ये हितेश हैं हमारे राइटर जिन्होंने ये लिखा है, हितेश. पर ट्रस्ट मी, ये कोशिश मतलब हमारी टीम
स्टार्टिंग फ्रॉम हिमांशु जिन्होंने आगे इससे पहले सारी फिल्में लिखी, हम लोगों ने कभी भी डायलॉग्स के लिए काम नहीं किया. इट्स अबाउट द कैरेक्टर्स. हाँ, ये ज़रूर है कि हम कैरेक्टर्स वैसे चुन लेते हैं जिनके साथ एक ये ह्यूमर अटैच किया जा सके, और इट्स मोर ऑफ द स्क्रीन प्ले. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो. यू विल फाइंड अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म इन दिस. और हाँ, स्पेसिफिक ये नहीं कि हम लोग कि यार ये पंच लाइन आनी चाहिए, इस पर काम कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं. बट कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग बन रहे हैं हमसे कि ये वाला ह्यूमर वो ले पाते. So the movie, what she was asking is, do I know of people? I'll tell you one thing, that after I made this movie in Tamil, right? And like Ayur said, that the germ of the idea is the same. The film and the screenplay and everything is different. But after I made this movie in Tamil, I got a lot of people writing back to me, and that's when I realized that yes, we have used the vehicle of comedy to reach out and to entertain people, but actually this is a serious problem, and the seriousness is not the problem. Like, we have treated it like Mudit has got a headache or he's got a leg which is fractured. It's at the end of the day a as physical, natural as normal. Yeah, it's at the end of the day a physical problem. That's it, right? But I have got letters, I mean on Facebook, on SMS, whatever, I mean WhatsApp, people telling me, sir, I watched your film and I was moved to tears because my marriage broke up because of this. You know, there are so many problems related to sex that we do not talk about. But the germ of this idea came, I'll tell you where. As soon as I got married, which was in 2009, and with a girl who I was dating for 4 years. And when I was getting married, just one day before the marriage, suddenly all my uncles, aunts, everybody who I, like, you know, respected, and I used to hide from them whenever I used to talk a joke, suddenly they all started coming on to me and talking adult stuff. अच्छा, साउथ में ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल. ये पूरे भारत में ऐसा होता है? या, absolutely. इंडियन थिंग आयुष. तो बाहर का. They start talking about this, and I remember my uncle aunt were talking about scent. You know, you'll have lot of scented candles, and you know you'll buy this. Yeah, and we use candles in Chennai because a lot of power cuts. But not for other reasons. Not for other reasons. That's it. That'll be the last question. Ayushman, tell me, real life which sir dard hunda hai te fracture ho janda hai to ada paan. Hale tak nahi hua. Abhi to theek hi hua. Theek hi hunda jan nahi karna hunda hai. Theek hi hunda jan nahi karna hunda hai. I think jad nahi hunda ta to sar dard ho janda hai. सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा 70% देश छोटे शहरों में बसता है, तो इसमें वहाँ की कहानियाँ ज़्यादा रिलेट हो पाती हैं. पैसे तो बड़े शहरों से आते हैं. 30% जो भारत है वहाँ से पैसा आता है, लेकिन 70% जो देश है हमारा वो छोटे शहर में बसता है. सीमा जी, तनिष्क नवायु. Hey, stop it! Hey, Pentamist! Hey, Mughal!